सबसे पहले लुक एट दीज पिक्चर्स, ये क्या है आप इन देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? आप जानते हैं, खाते हैं ना, क्या नाम है इनका? यस, मशरूम। ओके, सो ये मशरूम आपको दो पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि बहुत से बच्चे कुकी है, उनको मालूम नहीं होगा पूरा कैसे दिखाई देता है, या बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा काट के कैसे दिखाई देता है, तो इसलिए हमने दो पिक्चर्स दिखाई है। फुल हमें ऐसा दिखाई देता है, एंड इफ वी कट इन बिटवीन हमें ऐसा दिखाई देता है। और ये हम बहुत से लोग दे जस्ट लव टू ईट दिस फूड। व्हाट इज द नेम वंस मोर? मशरूम्स। ओके, नेक्स्ट, अगर आप अपने घर में आपका ब्रेड चपाती अगर थोड़े दिनों के लिए या इवन 2 डेज के लिए भी अगर बाहर रह गई है, व्हाट डू यू सी? क्या आप उसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं ना। व्हाई? बेकार हो जाती है, टेस्ट बेकार हो जाता है, लेकिन उसके साथ आप कुछ और भी देखते हैं ना। तो समटाइम्स क्या होता है, हम बिना खाए ही बता देते हैं कि दिस चीज इज नॉट एडिबल, दिस थिंग कैन नॉट बी ईटन, ये खराब हो चुकी है। हाउ डू वी टेल? जब हम उस पर इस टाइप का कुछ देखते हैं, ग्रीन सा, ब्राउन सा, कुछ एक उसमें ग्रोथ होती देखते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से, तो हम इसको क्या कहते हैं, हमारी रोटी पर या हमारी ब्रेड पर क्या आ गया? वी से फंगस लग गई है। घर में अचार डालते हैं हम लोग, अचार कभी कभी क्या होता है, हमें ऊपर एक व्हाइट लेयर सी दिखाई देती है, क्या करते हैं? अगर थोड़ी सी होती है हम लोग उसको हटा के फिर से सब करते हैं, अदरवाइज अगर हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी की लगती है हम पूरा पूरा खाने की वो चीज थ्रो कर देते हैं। सो देखिए, तो ये सब क्या है, मशरूम या हम फंगस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर दीज थिंग्स? सो दीज थिंग्स, अगर हम एक पहले आपको स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं फंगाई। बहुत से लोग इसको फंगाई बोलते हैं, बहुत से लोग इसे फंजाई भी बोलते हैं, बोथ प्रोनंसिएशंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये हमारे प्रोनंसिएशन पर डिपेंड करता है कि फंगाई या फंजाई। नाउ, और इसको हिंदी में हम फंगस भी बोलते हैं। ओके, इसको हम फंगस, एक हमारा आता है कि फंगस। तो ये जो फंगाई हम बोल रहे हैं, फंगाई मीन्स ये क्या है, ये टाइप का अगर हम देखें तो ये सेप्रोफिटिक प्लांट है, द प्लांट दैट कैन नॉट सिंथेसाइज द फूड, लेकिन दीज आर वेरी माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं। तो अगर हम उसका सिर्फ एक फिलामेंट की बात करें देन वी विल से फंगाई, अदरवाइज दिस इज फंगस। ओके, नाउ ये जो होता है, अब इसका प्रोसेस देखें, हम क्या देखते हैं, ब्रेड पर होता है, ब्रेड पर हमें ये इतना बड़ा एक पीस दिखाई दे जाता है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें पता चलेगा ये दे आर कॉटन थ्रेड लाइक स्प्रेड्स, जैसे कॉटन का थ्रेड होता है, अगर आप अपने कपड़े में से एक थ्रेड निकाले उससे भी थिन इसका फिलामेंट होता है, तो कॉटन थ्रेड लाइक स्प्रेड्स ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। ओके, ये जो है, तो अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, पतले पतले से थ्रेड्स निकले हैं, तो द थ्रेड्स लाइक स्प्रेड्स आर ऑर्गेनिज एंड दे आर कॉल्ड फंगाई या फंगस। ओके, नाउ अब ये जो है कि कैसे ब्रेड पर या कोई खाने वाली चीज पे कैसे ग्रो होते हैं, एंड उससे उनको ग्रो होने से उनको क्या मिलता है, लेट अस सी। तो अब इसका प्रोसेस देखें, ये जो होते हैं, जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे, फंगाई बोले या फंगस बोले, तो ये क्या होता है, दिस सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डिकेइंग मैटर। आपको समझ, अभी हमने थ्रेड लाइक करा था ना, तो ये अपने अंदर से जूसेस निकालते हैं, और डिकेइंग मैटर मीन्स जो उनको फूड प्रोडक्ट मिला है, इट कैन बी चपाती, इट कैन बी एनी पिकल, इट कैन बी एनी स्वीट, इट कैन बी ब्रेड, इट कैन बी एनीथिंग। अब इस पर वो क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, और जब वो डाइजेस्टिव जूसेस होता है, दे कन्वर्ट एंड कन्वर्ट इट इंटू अ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो फूड मटेरियल है, क्योंकि जो चीज भी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट, तो वो जो चीज होती है वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, एंड देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट।
तो आपको समझ में है? तो अगर हम देखें तो दिस इज ऑलमोस्ट समथिंग लाइक इफ वी कंपेयर विद अ प्लांट. प्लांट क्या होता है, दे टेक वॉटर एंड विद वॉटर दे एब्सॉर्ब लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वॉटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में जाते हैं और वो जो लीव्स होती हैं वो उसको ले लेते हैं. इन द सेम वे ये क्या होता है, बिकॉज हमने कहा दे आर ऑर्गेनिज्म, तो ये अपने अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस ऐसे जिसमें जो हमारे इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रेजेंट है लाइक प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाए और फिर उसको वो सक कर लेते हैं. अगर आप ऐसे समझे तो जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन हम ऐसे नहीं खा पाते. व्हाट डू वी डू, हम पानी में डिसॉल्व करके पानी पी जाते हैं. ओके सो वो क्या होता है, पानी के साथ वो डिसॉल्व होकर हमारे बॉडी में चला गया और मेडिसिन जो हमें कड़वी मुंह में लगती है वो जहां हमारे स्टमक में जानी चाहिए और उसका प्रोसेस होना चाहिए वो हो जाता है. तो इट एक्ट्स इन द सेम वे. तो ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है डेट इज नोन एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ये खुद बना रहा है खाना, नहीं ये अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, ये दूसरों से या जो हमारा फूड मटेरियल है उससे ले रहा है. और तो जो प्लांट्स इस टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको वी से सैप्रोट्रॉप्स. सो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉप्स. तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. नाउ डिफरेंट मीडियम वेयर फंगस कैन ग्रो. अब ये देखते हैं फंगस हमें कहाँ कहाँ मिलती है. दे कैन ग्रो ऑन पिकल्स, जैसा अभी हमने बताया था अचार के ऊपर. लेदर, नाउ यू विल से लेदर से कैसे, लेदर क्या हुआ चमड़ा, लेदर क्या है चमड़ा. तो लेदर क्या है, तो ये हमारा लेदर एक तो प्योर लेदर ले तो ये किसी एनिमल की स्किन मानी जाती है, और आर्टिफिशियल होता है तो उसमें केमिकल्स होते हैं जो प्रोसेस होके वो एक चीज को बनाते हैं. तो इसमें अब अगर किसी एनिमल की स्किन है तो उसमें क्या होगा, एनिमल जैसे हम किसी एनिमल को खाते हैं तो हमें लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसी वे में जो इसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो ये उस पर ग्रो होता है और उससे जो स्किन होता है उसके अंदर जो कुछ भी बचा हुआ रह गया है उससे वो अपना काम का चीज डिसॉल्व फॉर्म में ले लेता है. ओके इट कैन बी सीन ऑन क्लोज. अगर हमारा बारिश में क्या होता है, बारिश में अगर हम थोड़े टाइम के लिए अपने क्लोज को खोले नहीं और बंद करके अंदर रख दें हमें अजीब सी स्मेल आती है. ओके और फिर हम जब खोलते हैं तो उसके अंदर हमें छोटे छोटे से पैचेस भी दिखाई देते हैं. तो कॉटन क्या है, ये हमारे जो कपड़े बने हैं वो कॉटन से बने हैं, कॉटन थ्रेड्स होता है, डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं. तो कॉटन इटसेल्फ इज अ प्लांट, हमें रुई से कॉटन का थ्रेड निकलता है. तो हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक वैल्यू, एक उनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है दैट इज प्रेटी एनफ फॉर देम टू टेक देयर फूड. और अदर जो अभी मैंने बताया था कि सम आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड. ह्यूमिड वेदर मीन्स जहां पे हमारा जैसे बारिश में होता है, बारिश में इट इज वेरी ह्यूमिड के वॉटर मॉइस्चर इज प्रेटी गुड, काफी बड़ा होता है मॉइस्चर कंटेंट. तो इसमें ये जो कंडीशन है दे आर फेवरेबल फॉर दीज फंगाई टू ग्रो. तो जैसे हम कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस फॉर प्लांट्स दैट दे शुड हैव सनलाइट, दे शुड हैव वाटर, दे शुड हैव कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज देयर फूड. तो दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस. ऐसी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट या जो चीजें बहुत टाइम से टेक केयर नहीं होती दे आर वेरी गुड फॉर देम टू गिव द न्यूट्रिशन फॉर देयर लिविंग. नाउ अब देखते हैं ये फंगाई कैसे स्प्रेड आउट होती है. हम क्या करते हैं, हम अगर सबसे पहले ये समझें, हम कह रहे हैं इस फंगाई स्प्रेड आउट होती है. हाउ डज वी से दैट स्प्रेड्स. तो स्प्रेड का ये मीनिंग है जैसे अभी हमने एक ब्रेड पीस देखा था, तो ब्रेड पीस पे क्या होता है वो एक कॉर्नर से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आपने इमीडिएट उसको थ्रो नहीं करा या इमीडिएट उसका उत्तापाट कट नहीं करा,
आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट पूरा ब्रेड को वो ऑक्यूपाई कर लेती है. तो दिस इज नोन एज स्प्रेडिंग ऑफ फंगाई. वो कैसे होती है? तो ये जो होती है स्पोर्ट्स जर्मिनेट ऑन वेट एंड वॉर्म थिंग्स. तो व्हाट आर स्पोर्ट्स? ये जो स्पोर्ट्स हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से वर्ड को बोले आप स्पोर्ट्स. तो ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये क्या है ये समझ लिए. दे आर वेरी स्मॉल सीड्स. जबकि ये सीड्स नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए आप ये कर लिए, ये बहुत छोटे छोटे से जैसे सीड होता है टू मेक अ प्लांट. तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गनिज जो है होते हैं इनके लिए भी जो जर्मिनेटिंग पार्ट होता है डेट इज स्पोर्ट्स. तो ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये हमारे हवा में घूमते रहते हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो अब आपको समझ में आया फेवरेबल कंडीशंस लाइक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, या कोई लेफ्ट ओवर होता है जहां पे वो थोड़े टाइम के लिए आराम से रह सके. तो उसमें वो क्या होता है, दे स्टार्ट देयर जर्मिनेशन. वो बड़े होने लग जाते हैं. और नाउ जब वो बड़े होने लग जाते हैं, तो एक क्योंकि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो इनमें बहुत जल्दी एकदम दे आर रेडी टू प्रोड्यूस मोर स्पोर्ट्स. ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टेक्स प्लेस. वो और ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, अ न्यू फंगस बन जाती है. ठीक है, वो ही अभी बताया था कि इनको ग्रो होने में अगर हम कहें तो थोड़ा ही टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है. नाउ अब ये जो फंगस है, ये अब एक क्या हो गया, इन स्पोर्ट्स से वी गेट अ न्यू फंगस. तो हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई. अब ये फंगस विल अगेन प्रोड्यूस स्पोर्ट्स, और दे विल स्प्रेड द स्पोर्ट्स इन द एयर. क्योंकि दे आर वेरी लाइट, हवा से ही उड़ जाते हैं. हल्की सी हवा चलेगी, उड़ जाएंगे. ये अगर आपने पीस उठाया, उसको झाड़ा या उसको बाहर जाके थ्रो करा, उस समय भी आप सोचें यू आर स्प्रेडिंग नंबर ऑफ स्पोर्ट्स. अब जो ये जो अब हमारे फिर से स्पोर्ट्स हुए, तो फंगल स्पोर्ट्स लैंड ऑन वेट एंड वॉर्म थिंग्स. तो जो नए स्पोर्ट्स बने, दे अगेन वेंट टू अदर थिंग्स एंड दे स्प्रेड आउट. तो एक सिंपल थिंग क्या गई, स्पोर्ट्स बने, वो किसी एक थिंग पर गए, उसमें दे डेवलप इनटू अ एडल्ट थिंग, और उसके बाद फिर उन्होंने स्पोर्ट्स बनाए एंड स्पोर्ट्स गेट स्प्रेड. सो इन दिस वे देखें, जैसे हमने ब्रेड में देखा था, एक ये सिंगल नहीं है, एक उसमें ही देयर आर नंबर ऑफ न्यूमरस अनकाउंटेबल यू कैनॉट काउंट, इतने होते हैं. तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आई कैन से कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, आप फंगस का अगर एक माइन्यूट पार्ट का माइक्रोस्कोपिक अगर आप उसको देखेंगे, तो यू विल गेट टू सी नंबर ऑफ पिक्चर्स ओवर देयर. सो उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा. सो आज हमने क्या लर्न करा, टुडे वी लर्न अबाउट द सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स क्या है? फंगस. Why are we saying to be saprophytes? Because they are not autotrophic in nature. They cannot synthesize their food. And you have seen they take their food from the eatables, from leather, from clothes, कुछ भी. ये कब होता है? जब उनके favorable conditions होते हैं. एक इसके साथ एक चीज और मैं बताऊंगी आपको. इनके लिए एक particular temperature होता है जिसमें वो develop हो सकते हैं. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो खाने का सामान होता है ज्यादा टाइम बाहर नहीं रखते हैं. इधर वी बॉयल इट, उसे गर्म करते हैं, जिससे क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे दे कैन नॉट डेवलप, या बहुत ठंडा रखते हैं तब भी वो डेवलप नहीं हो पाते हैं. ओके, और थोड़ा सा हम उसमें जैसे अगर हम पिकल्स डालते हैं तो उसमें हम शुगर और सॉल्ट खूब ज्यादा डालते हैं, तो वो जो एक लेवल बनता है उसका, वो भी इनके डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल नहीं होता है. इसलिए कुछ चीजों को बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. वी शुड फॉलो दैट प्रोसीजर टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ द फंगस. जो हमारे अपने खाने के लिए इज नॉट अ गुड थिंग. लेकिन देयर आर सम वेरी अदर फंगस लाइक मशरूम्स, वो ईटेबल में आ जाते हैं. लेकिन अगर हमारी कोई रोटी वो खराब हो रही है, डेट डज नॉट कम इन
eatables. So this was our learning for today. Till we meet again, I want you to have a good revision of this session. सारा आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें. Definitely you will learn a lot. Okay, till we meet again. Bye.